हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके एसएससी के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था। डीईओ 2009 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज का प्रोत्साहन या फिर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। इसका सही आंसर क्या है? देखो, सही आंसर की बात करो तो डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या था ना कि गांधी जी जो थे वो कुटीर उद्योगों का बहुत समर्थन किया करते थे, और कहा जाता है विदेशी वस्तु के बहिष्कार करने का उनका एक कारण ये भी था कि जो कुटीर उद्योग है या फिर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको प्रोत्साहन किया जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। तो डी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को अधिकांश क्षेत्र का दर्जा या फिर डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला था, ये आपको बताना है। सीजीएल 2010 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अच्छा, ये दो बार रिपीट हो गया, तो मान लो तीन ही ऑप्शन हैं, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन 15 अक्टूबर 1947। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस उस दिन मिला था जिस दिन उसको जो है आज़ादी मिली थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही डोमिनियन स्टेटस हमको मिला था, यानी कि बी और सी कर दोनों बात एक ही है कि इन दोनों दिन मतलब 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस भारत को मिला था। अब डोमिनियन स्टेटस क्या था? देखो, इसमें यह था कि राज तो हम करेंगे, गवर्नमेंट हमारी चलेगी, पर हमारा जो हम जो होगा ब्रिटिश के उस समय डोमिनियन बने रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। और आपको पता है 26 जनवरी 1950 ये दिन था जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, तो उसी दिन हमारा डोमिनियन स्टेटस जो है ख़त्म हो गया था। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो डोमिनियन स्टेटस ख़त्म हुआ था वो हुआ था इनका 1956 में, क्योंकि उस साल को इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? मैट्रिक स्तरीय 2008 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शंस है, ऑप्शन नहीं है, आपको इनमें से बताना है कौन कौन सी जो शिक्षाएं थी वो गांधी जी ने दी थी, इनकी महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन कौन सी थी। सत्य, ये इनकी शिक्षा थी, अहिंसा ये तो थी, सत्याग्रह नहीं था, ठीक है। तो सत्याग्रह क्या था ना, सत्याग्रह गांधी जी की जो है शिक्षा नीति, उनका ये तरीका था जन आंदोलन करने का। तो जो सही आंसर होंगे वो 1 और 2 ही होंगे। तो 1 और 2 कहाँ पर है वो आपको सी में दिख रहे होंगे, तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं की बात की जाए तो वो सत्य और अहिंसा ये दोनों की दोनों ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी सच्चे समर्थक थे, किसके सच्चे समर्थक थे ये आपको बताना है। मैट्रिक लेवल 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, बड़े और छोटे उद्योगों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, गांधी जी जो थे वो कॉटेज इंडस्ट्री या फिर कुटीर उद्योग या फिर बी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपको पता ही, अभी हमने डिस्कस किया था कि इन्हीं कुटीर उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए ही जो है कहा जाता है कि उन्होंने गांधी जी जो है विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना शुरू किया था। मतलब एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार इसलिए शुरू किया था ताकि कुटीर उद्योग यानी कि जो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उनको किसी तरह का सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे, ये आपको बताना है। टैक्स असिस्टेंट 2008 का है। तो इनमें से स्वराज पार्टी के कौन कौन अध्यक्ष थे ये आपको बताना है। तो कौन थे? देखो, मोतीलाल नेहरू ये तो थे, तो 1 जहाँ पर होगा वो तो सही आंसर हो गया होगा। सरदार पटेल ये नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू और एक नाम आप और ले सकते हो जिसका नाम है सीआर दास, चित्रनंदन दास, ये जो दोनों के दोनों जो है ना वो स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्षों में से थे। तो 1 जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू यही जो थे वो इन ऑप्शंस में से केवल मोतीलाल नेहरू ही जो थे वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अब स्वराज पार्टी की क्यों बनाई गई थी? देखो क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था, पर चौरा चौरी इंसिडेंट होता है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा इसको रोक दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अब कुछ तो करना था, ठीक है, तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और चित्रंजन दास जी के द्वारा ये स्वराज पार्टी शुरू की जाती है ताकि चुनाव लड़ा जा सके इसके अंडर पे, और
चुनाव लड़के जीत करके पार्लियामेंट में जाया जा सके, और पार्लियामेंट में जाके ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है वहाँ पर उसका जो है वो बहिष्कार किया जा सके पार्लियामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी ये आपको बताना है। एसएससी मैट्रिक लेवल 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस है असहयोग आंदोलन, सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो स्वराज पार्टी, ये मैंने अभी आपको बताया, ये जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था गांधी जी के द्वारा, उसी के बाद इसकी स्थापना की गई थी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास जी के द्वारा। तो ए जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी ये बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी ये आपको बताना है। एसएससी सीएचएस 2010 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय आंदोलन के बाद, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो बात करें स्वराज पार्टी की, ये जो है बनाई गई थी ये असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये बनाई गई थी। देखा किस तरह से क्वेश्चन को ये घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को एसएससी में किस तरह से पूछते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है एसएससी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप हमेशा कीजिए, पिछले 10 साल की तो हमेशा करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास संस्थापक सदस्य थे, किसके संस्थापक सदस्य थे ये आपको बताना है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी, स्वराज पार्टी, या फिर स्वराज पार्टी के। तो किसके थे अब तो आप बताए दोगे, मोतीलाल नेहरू जी और चित्रंजन दास जी, ये दोनों के दोनों स्वराज पार्टी से संबंधित थे, इन्होंने ही इनकी स्थापना की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की। कब? 1923 में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा बीच में ही रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था, किस राशि में होता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म ये आपको बताना है। मैट्रिक लेवल 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन है सिंह, मकर, वृष, या फिर वृश्चिक। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था आपका वृश्चिक राशि में। तो डी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है, डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। एसएससी सेक्शन ऑफिस 2006 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शंस है प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, भारत का भावी संविधान, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापसी लेने के लिए, या फिर भारत के एकमात्र प्रतिनिधि होने का जो कांग्रेस का दावा था उसके लिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर ये आपको बताना है। देखो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर जो आप यहाँ पे कहते हो तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ये हुआ था, भारत का भावी संविधान, इसकी चर्चा करने के लिए इसका जो है आयोजन किया गया था। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1931 से 1932 के बीच में, तो ये इसीलिए हुई थी ताकि भारत के भावी संविधान है उसकी चर्चा की जा सके। एक्चुअली आपको हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था कि 1927 में आपको पता है साइमन कमीशन इंडिया आया था, और 1930 में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भारत में चाहिए। अब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए ही ये तीन जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब इनमें जैसे से जो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उनमें से केवल एक में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, वो थी आपकी दूसरी गोलमेज सम्मेलन या फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी गए थे ना दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हाँ, सारी की सारी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? भीमराव अंबेडकर ने। तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए मैंने आपको बताया है। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था। एसएससी सेक्शन ऑफिस 2007 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी, या फिर मोतीलाल नेहरू। देखो क्वेश्चन क्या है ये आपको बताना है कि ब्रुसेल में जो 1927 में दलित राष्ट्रवादियों की जो कांग्रेस हुई थी उसमें आईएनसी की तरफ से किसने आईएनसी को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे। ठीक है, ब्रुसेल्स में तो आईएनसी की तरफ से मतलब आईएनसी को जो रिप्रेजेंट किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था इस दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में जो कि ब्रुसेल में 1927 में हुई थी। ए जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिन सेन गुप्ता या फिर अरुणा आसफ अली। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें ये जो है कांग्रेस की जो है अध्यक्ष बनी थी और ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। दूसरी थी आपकी सरोजिनी नायडू। ये जो सरोजिनी नायडू जो थी ना, ये पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रिपीट हुआ क्वेश्चन, एक बार टैक्स असिस्टेंट 2006 में पूछा गया, इस बार पूछा गया ये सीजीएल 2014 में। ऑप्शन है कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर राजकुमारी अमृत कौर। तो बात करें भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की, तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष वो होगी आपकी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर INC की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, पहली भारतीय की बात की जाए तो आप सरोजिनी नायडू को करेंगे, पहली महिला की बात की जाए तो आप करोगे एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। CHSL 2008 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या फिर आचार्य JP कृपलानी। तो स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना जो कि जून 1947 में आई थी, जिसको हम जून प्लान भी कहते हैं, इसी के अंडर हमको जो है आज़ादी मिली थी, ठीक है, इसको जब स्वीकारा गया था उस समय भारत के जो INC के जो अध्यक्ष थे उनका नाम बताना है। तो उस समय जो INC के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके आचार्य JP कृपलानी। तो डी जो होगा ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो वो भी यही थे JP कृपलानी, ठीक है, और इन्होंने नवंबर 1947 में इस पद से त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालपाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, किसके नेता थे ये आपको बताना है। स्टर्नो 2010 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन है स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गदर पार्टी के या फिर कांग्रेस पार्टी के। तो बाल पाल और लाल की बात करें या फिर बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, ये किसके नेता थे? अब आंसर मतलब पूरा नाम मैंने बता दिया तो आप बता ही पाओगे। ये तीनों की तीनों जो है ना कांग्रेस पार्टी के नेता थे। और आपको पता ही है कांग्रेस जो है दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तो था आपका एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक था आपका मॉडरेट, हिंदी में कह लो एक गरम दल एक नरम दल। तो गरम दल को ये तीनों के तीन रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है, बाल पाल और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? टैक्स असिस्टेंट 2007 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंडियन नेशनल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर सोशलिस्ट पार्टी। तो देखो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने जब INC से अध्यक्ष पद से त्याग दिया था 1939 में, जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी उस समय, उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि सी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी की इन्होंने यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? MTS 2013 में अभी पूछा गया। तो अभी मैंने आपको बताया फॉरवर्ड ब्लॉक की तो स्थापना देखो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, तो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस है, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर लाला हरदयाल। तो कौन है इसमें INA या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का संस्थापक? देखो ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर, इन्हीं के द्वारा जो है INA इसका शुरुआत, इसके जो तो संस्थापक है ये माने जाते हैं। इन्होंने ना एक्चुअली ना गवर्नमेंट बनाई थी, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट कहा जाता है। ये जो गवर्नमेंट सरकार इनके द्वारा बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी, इन्हीं इसी सरकार की क्या थी, फौज थी। अब वैसे अगर संस्थापक की बात करें आज़ाद हिंद फौज की, कौन किसकी किसने इसको बनवाया था,
तो दो नाम और आते हैं, एक है आपका रास बिहारी बोस, एक है आपका मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। देखो इन दोनों के द्वारा भी इंडियन नेशनल आर्मी का जो है स्थापना की गई थी, और फिर कुछ चीज़ हो गई थी जिसकी वजह से सब मतलब बेकार हो गया था, इंडियन नेशनल आर्मी टूट गई थी, पर दोबारा से रिकंस्टिट्यूट करने का काम जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कभी ऑप्शन में आपको सुभाष चंद्र बोस ना दिखे, वहाँ राज बिहारी बोस आ हूँ तो आप उसको टिक कर सकते हैं। राज बिहारी बोस नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, मोहन सिंह है, आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या फिर लाला लाजपत नारायण ने? ये क्वेश्चन मैट्रिक लेवल में सितंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोबारा। अभी मैंने आपको बताया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। दो नाम आपको इससे रिलेटेड और याद रखने, वो हैं आपके कौन कौन से, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह। हो सकता है अगर ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस ना हो, ये दो नाम हो, तो आप इनको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, ये नगर इस समय कहाँ है ये आपको बताना है। टैक्स असिस्टेंट 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार, त्रिपुरा, मणिपुर, या फिर मिजोरम। देखो ये झंडा जो है वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नहीं फहराया गया था, ये फहराया गया था जो इनकी आर्मी है इंडियन नेशनल आर्मी उसमें कर्नल थे, कर्नल शौकत उल्ला मलिक, इनके द्वारा इस झंडे को फहराया गया था, और ये फहराया गया था इनके द्वारा मोईरांग में, और मोईरांग जो है वो प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है, मणिपुर में। तो सी जो होगा ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 14 अप्रैल 1944 को कहा जाता है कि जो कर्नल थे इंडियन नेशनल आर्मी के शौकत उल्ला मलिक, उन्हीं के द्वारा मणिपुर में एक जगह है मोईरांग, वहाँ पर ये जो झंडा है INA का वो लहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना, बद्रुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान, या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके बद्रुद्दीन तैयब जी। देखो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है, तो जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था ना 1887 में मद्रास में, उसमें बद्रुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष पहले यही थे, कौन, बद्रुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ये आपको बताना है। FCI 2012 का क्वेश्चन है, ऑप्शन है 75, 76, 71, या फिर 72। तो क्या होगा इसका सही आंसर, देखो जो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपका बॉम्बे में, ठीक है, होने वाला था ये पुणे में होने वाला था, पर वहाँ पे कुछ हैजा वैजा फैल गया था, इस वजह से ये बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में भी कहाँ पे, ये हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ पर ये हुआ था। और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, तो डी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो 1885 में देखो कांग्रेस का गठन हुआ था उस साल पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। PM मेहता द्वारा, ब्योमकेश चंद बनर्जी द्वारा, DE वाचा द्वारा, या फिर SN बनर्जी द्वारा? तो क्या है इसका सही आंसर, देखो 1885 में पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी WC बनर्जी या फिर ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। MTA 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ऑप्शन है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, AO ह्यूम्स, या फिर लोकमान्य तिलक। देखो INC इसका गठन हुआ था आपका 1885 में, एक ब्रिटिशर्स जिनका नाम है AO ह्यूम्स, इसके द्वारा इस कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बड़ा उसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि एक ब्रिटिशर्स
एओ ह्यूम्स जो है वो कांग्रेस की स्थापना कर रहा है, क्या होगा इसका भविष्य इत्यादि इत्यादि करके। पर इसकी संस्थापना मैंने आपको बता दिया एओ ह्यूम्स के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? सीजीएल 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, एनी बेसेंट, गांधी जी या फिर एओ ह्यूम्स। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो डब्ल्यू सी बनर्जी ये तो थे आपके क्या हो गए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, गांधी जी ये सिनेरियो में इस समय आए नहीं थे, ठीक है। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था ना, उस समय तो इस सिनेरियो में आए नहीं थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए ओ ह्यूम्स। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंधित जितने आंदोलन हुए थे उनकी शुरुआत कहा जाता है ए ओ ह्यूम्स के द्वारा की गई थी। बेसिकली ये है कि कांग्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये आपको आंसर बताना है ए ओ ह्यूम्स से, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आज, बाकी के क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम कल करेंगे। मिलते कल की वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।